लिए क्वालिफाई कर चुकी है। कंग्रेचुलेशन टीम इंडिया, इतनी खुशी इंडिया जीत गया। जानते हैं इंडिया का लगातार ये चौथा फाइनल है। जी हाँ, किसी भी बड़े टूर्नामेंट का चौथा लगातार इंडिया फाइनल खेल रहा है। सबसे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, फिर एशिया कप 2023 का फाइनल खेला, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला और अब T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल भारत खेलने जा रहा है। आपको और हमें सबको मिलके एक चीज को एडमिट करना पड़ना, इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो दुनिया की सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट टीम है, सबसे यूनिटी के साथ खेलने वाली टीम है। क्या कहोगे इंडिया की जीत पर? आज इंडिया ने इंग्लैंड को हरा कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कोई भी चीज अब इंडिया को T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से नहीं रोक सकती। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया टीम, हैट सैल्यूट ऑफ विराट कोहली, हैट सैल्यूट। इंडिया ने आज इंग्लैंड को जूते और ठुड्डे मार के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे, आज कितनी खुशी है, कितनी एक्साइटमेंट है। इंडिया अपना बदला जो है वो जारी रखे हुए, पहले ऑस्ट्रेलिया से लिया और आज इंग्लैंड से। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यार इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के आउट होने के बाद मैंने भी स्पोर्ट किया। कुलदीप यादव भाई आज इतनी खुशी का दिन है, इतना खुशी का दिन है, एंजॉय करो आज यार। टीम इंडिया में पहले जश्न सेलिब्रेशन का टाइम है, सेलिब्रेशन करना बनती है। जो आज परफॉर्मेंस इंडिया ने कर दी भाई, आज गौरव का नानी याद करवा दी, लगान वाला बदला पूरा हो गया, 2022 का सारे बदले। रोहित शर्मा ने जो आज मैं कहता हूँ रनों की होली खेली है इंग्लैंड के बॉलरों के साथ, उनको उनका माई बाप याद दिला के रख दिया। इंग्लैंड वालों को अब ख्वाब में एक ही बंदा आएगा, उसका नाम है रोहित शर्मा। मार मार के आप जानते हैं इंडिया का लगातार ये चौथा फाइनल है। जी हाँ, किसी भी बड़े टूर्नामेंट का चौथा लगातार इंडिया फाइनल खेल रहा है। सबसे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, फिर एशिया कप 2023 का फाइनल खेला, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला और अब T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल भारत खेलने जा रहा है। आपको और हमें सबको मिलके एक चीज को एडमिट करना पड़ना, इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो दुनिया की सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट टीम है, सबसे यूनिटी के साथ खेलने वाली टीम है और सबसे बेहतरीन टीम है, क्योंकि लगातार चार टूर्नामेंट्स के फाइनल खेलना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट होती जो भारत ने करके दिखाई है। इसमें एशिया कप उन्होंने जीता, दो फाइनल हारे और लग रहा है कि अब वो फाइनल भी जीत जाएंगे और ट्रॉफी अपने नाम कर जाएंगे। अगर बात करें इस मैच की, इंडिया ने इंग्लैंड से अपना बदला भी पूरा किया, 172 10 विकेट से जीता था सेमीफाइनल के अंदर इंग्लैंड 2022 के अंदर। सिमिलर टारगेट था 172 का, लेकिन इस दफा 10 के 10 इंग्लैंड के आउट हो गए। रोहित शर्मा की अगर आपने तस्वीर देखी हो, थंबनेल पे भी मैंने लगाई हुई थी, रोहित शर्मा की तस्वीर को देखिए, 2023 के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल हराया था तो रोहित शर्मा रो रहे थे, 2024 के अंदर जब रोहित शर्मा ने फाइनल के लिए दोबारा क्वालिफाई किया तो रोहित शर्मा दोबारा से रो रहे थे। लेकिन इस दफा जो रोना था वो खुशी का रोना था, इमोशन से। आपको एक चीज को एडमिट करना पड़ेगा कि रोहित शर्मा के ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया कैसे फाइनल हार गया, लेकिन जय शाह जो कि उनके जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा था कि यही रोहित शर्मा बारबाडोस के अंदर ट्रॉफी उठाएंगे, मुझे पूरा इन पर यकीन है। रोहित शर्मा ने करके दिखा दिया, रोहित शर्मा अपनी टीम को फाइनल के अंदर लेके चलेगी। और खाली रोहित शर्मा कैप्टन नहीं है, वो परफॉर्मेंस करके भी दिखाते हैं, वो लीड कर रहे हैं फ्रंट से। जब इंडिया के सबसे बड़े दो मैच आए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ, तो इनके कैप्टन रोहित शर्मा ने फ्रंट से लीड किया, ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाई और अब इंग्लैंड जो कि खतरनाक हरीफ था, सेमीफाइनल था, उसके अंदर भी खतरनाक पिच के ऊपर रोहित शर्मा ने 57 रन से स्कोर किए। तो ये होते हैं कैप्टन जो कि लीड करते हैं फ्रंट से अपनी टीम के लिए, ब्रिलियंट किस्म के चेंजेस करवाए। इस मैच की अगर बात करें रियल टर्निंग पॉइंट की, देखिए बड़े सारे टर्निंग पॉइंट थे, लेकिन मैं समझता हूँ ये इंडिया मैच तभी जीत गया जब इंडिया ने 172 किए, एक पॉइंट के ऊपर इंडिया का 12। आज इंग्लैंड को जूते और ठुड्डे मार के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे, आज कितनी खुशी है, कितनी एक्साइटमेंट है। इंडिया अपना बदला जो है वो जारी रखे हुए, पहले ऑस्ट्रेलिया से लिया और आज इंग्लैंड से।
मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यार इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के आउट होने के बाद मैंने भाई सपोर्ट किया इंडिया को। अच्छा। और अब इंडिया ने जो अपनी रिवेंज कैंपेन जारी रखी है ना भाई, पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को धक्के मार के हराया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। अब इन्होंने इंग्लैंड को, जिन्होंने 2021 में इनको 10 विकेटों से हराया है, उनको भी इन्होंने अब इन्होंने बाहर कर दिया। यानी कि इंडिया पूरे बदले के मोड में है, इंडिया नहीं बख्श रहा किसी को, हराई जा रहा है। और आज इंग्लैंड, इंडिया ने इंग्लैंड को बड़ी बुरी तरह हरा के अब इंडिया ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। ये देख के तो मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि भाई इंडिया ने यार बड़ी स्ट्रगल किया पिछले टूर्नामेंट में, फाइनल सेमीफाइनल में जाके ना बाहर हो गई थी टीम, और 2021 में तो चला ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई थी, लेकिन उसका भी उनको बड़ा दुख था। और जो ओडीए वर्ल्ड कप में इनके साथ इतना बुरा हुआ है, फाइनल में हार के 10/10 की स्ट्रीक लगा के फाइनल में हार के बाहर हो गई, आज उन्होंने वो स्ट्रीक T20 इंडिया की जीत पर आज इंडिया ने इंग्लैंड को हरा कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कोई भी चीज अब इंडिया को T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से नहीं रोक सकती। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया टीम, हैट सल्यूट ऑफ विराट कोहली, हैट सल्यूट ऑफ रोहित शर्मा हिटमैन, अखीर किस्म की बैटिंग की आज, जूतियां मार मार के जोस बटलर की पूरी टीम को, इंग्लैंड की पूरी टीम को पूरी तरह धोबी विचार करके मारा है, पूरी तरह इतने गंदे छित्रों की तरह इनको मारा है कि इनको पता चला कि भाई इंडिया क्रिकेट का बाप है। आज वाकई कर दिखाया इंडिया ने, वो घर से जब इंडिया से निकले थे अमेरिका के लिए इतना स्ट्रगल करके, उन्होंने अपने माइंड में बनाया था कि भाई हम लोग ट्रॉफी लेके आएंगे, तो आज देखिए उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। कोई ऐसा मैच नहीं है जहां पे इन्होंने लो परफॉर्मेंस किया है, आज हर मैच में इनकी परफॉर्मेंस। फाइनल का टिकट काट लिया, जो एशिया की टीम पहुंच चुकी है, जो पहले एशिया की कोई टीम फाइनल में नहीं पहुंच पा रही थी। उनका कहना है कि पाकिस्तान ना सही, भारत तो फाइनल में पहुंचा, लेकिन ये पाकिस्तानियों की खुशी दिखावटी होती है, वो चाह रहे थे कि हिंदुस्तान हारे लेकिन उनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। पाक मीडिया में भारत को बेईमानी करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है जब पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। इसी तरह इंग्लैंड के खिलाड़ी भी यही कह रहे थे कि भारत ने बेईमानी की है, ICC भारत के लिए खेलता है, अन्य टीमों